इजी रेसिपी ऑफ तीन तरह के लच्छे प्याज जो आप कबाब के साथ, बिरयानी के साथ, एज साइड सैलेड आप सर्व कर सकते हो अपने गेस्ट को। गेस्ट बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। लच्छेदार प्याज बनाने के लिए पहले प्याज को इस तरीके से छील के हम अलग रख लेंगे। अब शुरू करते हैं इन्हें स्लाइस करना। अनियन रिंग्स बनाने के लिए बेस की साइड एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि प्याज आसानी से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरीके से खड़ा हो जाए। अब पतले पतले स्लाइसेस में हम इसकी रिंग्स की फॉर्म में कट कर लेंगे। तो लच्छे प्याज बनाने के लिए प्याज जो है वो उनकी कटाई हो चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। कटे हुए प्याज को बर्फीले पानी के अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए आप सोक करके रखना। बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो क्रंची एक आवाज़ आती है ना प्याज में से, वो तभी आती है जब आप इस तरीके से इसे ठंडे पानी के अंदर भिगो के रखोगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तीखा चटपटा रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो तीखी वाली भी यूज़ कर सकते हो। और चटपटा बनाते हैं चाट मसाला ऐड करके। नींबू का रस और साथ ही में धनिया की पत्तियाँ मिक्स कर लेंगे। अब बनाते हैं दूसरी तरह के लच्छेदार प्याज जिसका नाम है क्रीमी लच्छा अनियन। तो ये गई अनियन की रिंग्स कटी हुई बोल के अंदर। अब सबसे पहले जाएगा नमक स्वाद अनुसार, पीली मिर्च यानी कि येलो चिली पाउडर, ये आप ध्यान से डालना क्योंकि बहुत स्मोकी फ्लेवर होता है इसका और काफ़ी तीखी होती है। काली मिर्च कुटी हुई, एक से दो चम्मच हंग कर्ड यानी कि गाढ़ी वाली दही। क्रीमी बनाते हैं फ्रेश क्रीम ऐड करके, एक से दो चम्मच चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और अब सबको मिक्स कर लेंगे। अब बनाते हैं थर्ड एंड लास्ट चटनी लच्छा प्याज। सबसे पहले इसके अंदर जाएगी धनिया पुदीने की चटनी, जिसके अंदर धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, नमक है और नींबू का रस है, दो से तीन चम्मच। नेक्स्ट जीरा पाउडर। चटपटा बनाते हैं चाट मसाला ऐड करके। एडिशनल नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चटनी के अंदर भी सॉल्ट है। और ये बहुत स्पेशल है जो कि है सरसों का तेल, ये इसे एक शार्पनेस देगा और ये बहुत मज़े के लच्छे प्याज बन के तैयार होंगे, बट ज़्यादा नहीं, हाफ टी स्पून। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को।